रेत के टीले हैं, बालू का स्तूप, मतलब रेत के टीले, और यही होते हैं बालू का स्तूप। जैसे देखो तो ये एक रेत का टीला, और उसके बाद गए तो ये एक रेत का टीला, और यही क्या है जी, बालू का स्तूप है। यही क्या है, बालू का स्तूप है। ऐसे जो रेत के टीले हैं वो क्या कहलाते हैं, बालू का स्तूप। इन जो रेत के टीलों को सबसे पहले बात करें ज्योग्राफी, सबसे पहले ज्योग्राफी की भाषा में किस नाम से जानते हैं गुरुजी, बालू का स्तूप कहते हैं। ज्योग्राफी की भाषा में क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। शाबाश जी। इसके बाद में हमारी साहित्यिक भाषा में, ये तो होगी भूगोल की भाषा में, अब बात करते हैं साहित्यिक भाषा में इन्हें क्या कहा जाता है। तो गुरुजी इन्हें धोरा कहते हैं या धोरे कहते हैं, धोरे या धोरा। कन्हैयालाल सेठिया की आपने देखी होगी धरती धोरारी, है ना, या हमने देखा होगा कन्हैयालाल सेठिया की रचना है ना धरती धोरारी। इसके अलावा कोई अपने एक रचना का नाम भी सुना होगा धोरारा धनी। तो धोरा या धोरे क्या है, साहित्यिक भाषा में कक्षा 6 की किताब में ये लिखा हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि स्थानांतरित या जैसलमेर में स्थानीय नाम क्या है, स्थानीय नाम क्या है। तो स्थानांतरित बालू का स्तूप या जैसलमेर में इन बालू का स्तूपों को या रेत के टीलों को क्या कहा जाता है, धरियन। क्या कहा जाता है, धरियन। स्थानांतरित बालू के स्तूपों को धरियन कहते हैं। जैसलमेर में स्थानीय नाम क्या है, रेत के टीलों का, धरियन है। इसके बाद में हम बात करें तो इनके अन्य नाम क्या है, अन्य नाम गुरु जी टीला या टिब्बा, है ना, भी इन्हें कहा जाता है, टीला टिब्बा, है ना, टिब्बे टिब्बे, है ना, टीले आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। तो ये तो हो गए रेत के टीलों को ज्योग्राफी में बालू का स्तूप कहते हैं, साहित्य में दोरा दोरी कहते हैं, स्थानीय मतलब स्थानांतरित तो जैसलमेर में स्थानीय नाम धरियन है, अन्य नाम टीला टिब्बा टिब्बे टिल्ले आदि है। अब बात करते हैं दो बालू का स्तूपों के मध्य, फर्स्ट नंबर का बालू का स्तूप ये रहा और सेकेंड नंबर का बालू का स्तूप ये रहा। दो बालू का स्तूपों के बीच में जो नीची भूमि होती है उसे कहते हैं तल्ली। क्या कहते हैं उसे जी, गुरु जी तल्ली कहते हैं। इस तल्ली में वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आई, यहाँ पे बादल आए और ये बादल छोड़ दिए, क्या पानी छोड़ दिया, और यहाँ बन गई अस्थाई झील। इस तल्ली में वर्षा ऋतु में, इस तल्ली में क्या हो गई, वर्षा ऋतु में बन जाती है अस्थाई झील, अस्थाई झील बन गई गुरु जी। तल्ली में वर्षा ऋतु में अस्थाई झील बन जाती है। इन झीलों को क्या नाम दिया जाता है, अस्थाई झीलों को नाम दिया जाता है गुरु जी प्लाया। क्या नाम दिया जाता है, प्लाया, रन, टाट, ढाड, ढाब, प्लाया, रन, टाट, ढाड, ढाब। इसके अलावा बालसन और कहा जाता है खड़ीन, बालसन व खड़ीन। तो हमने कहा कि तल्ली में जो अस्थाई झील बन रही है उन्हें क्या क्या नाम से दिया जाता है, यहां दिखाई नहीं दे रहा, तो अस्थाई झील बन रही है, इन अस्थाई झीलों को कहते हैं प्लाया। क्या कहते हैं जी, प्लाया, और क्या कहते हैं, रन, और क्या कहते हैं, ढाब या सॉरी ढाड। इसके बाद में टाट, क्या कहते हैं, टाट। इसके बाद में क्या कहते हैं, ढाब, ये कहते हैं। अगर ये मीठे पानी की है, किसकी है, मीठे पानी की है, तो इन्हें पोखर कहते हैं, पोखर। क्या कहते हैं इन्हें, पोखर या सर या सरोवर, सरोवर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और किस नाम से जाना जाता है, बालसन, क्या है, बालसन, बालसन। इसके अलावा बजादा, इसके अलावा और क्या कह रहे हैं, बालसन के बाद में बजादा, इसके बाद में क्या कह रहे हैं, खड़ीन। क्या कह रहे हैं, खड़ीन। इसके अलावा और क्या कह रहे हैं, पेडीमेंट, क्या कह रहे हैं, पेडीमेंट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पेडीमेंट। तो हमने क्या किया, अस्थाई झील बनी जिसे रन, जिसे प्लाया, रन, ढाड़, ढाब, ढाब, पोखर, सर, सरोवर मीठे पानी के, तो बालसन, बजादा, खड़ीन और पेडीमेंट कहते हैं। तो ये मीठे पानी की को तो छोड़ दो, इसको हमें बाद में पढ़नी है, ये कहते हैं, ये जो दिख रही। अब बात करें हम सबसे पहले ये जो झील बनी है, इस झील को क्या कह रहे हैं, इस झील को जो झील यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बन गई, इस जो यहाँ तक का क्षेत्र है ये क्या है जी, प्लाया है। क्या है ये, प्लाया। इनके बाद में यहाँ जो दलदली क्षेत्र बनेगा, यहाँ पे जो दलदली क्षेत्र बनेगा, यहाँ पे जो दलदली क्षेत्र बनेगा, यहाँ पे जो दलदली क्षेत्र बनेगा, उस दलदली क्षेत्र को नाम दिया जाएगा जी रन। क्या नाम दिया जाएगा, रन, रन, रन। के बाद में आप यहाँ याद रखना, यहाँ पे जो ये ढलान होगा, ये ढलान होगा, इसे बोला जाएगा बजादा,
बजादा, और बजादा के ऊपर का जो भाग होगा थोड़ा सा, ये भाग ये कहलाएगा पेडिमेंट। क्या कहलाएगा? पेडिमेंट। और यहां पे जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी, यहां पे वर्षा ऋतु हो गई जी समाप्त, समाप्त, तो यहां से लेकर यहां तक एक मैदान बनता है। क्या बनेगा? मैदान। उस मैदान को बोला जाएगा बालसन। क्या बोला जाएगा? बालसन। क्या बोला जाएगा? बालसन का मैदान बोला जाएगा। ये जो झील अगर बाद में भी रह गई तो इन्हें बालसन झीले भी कहते हैं, बालसन झीले कहते हैं और बालसन का मैदान कहते हैं। देखो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, तल्ली का पानी सूख जाता है और वहां पे नमी युक्त भूमि, नमी युक्त भूमि प्राप्त होती है, नमी युक्त भूमि प्राप्त होती है, उस भूमि को खड़ीन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? खड़ीन। और खड़ीन का शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ तो वो होता है खड़ने योग्य, खड़ने योग्य या जोतने योग्य भूमि, खड़ने योग्य या जोतने योग्य भूमि। ये खड़ीन किसे कहते हैं? नमी युक्त भूमि को। इसमें की जाने वाली कृषि को भी क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ीन। और खड़ीन क्या है? खड़ीन एक परंपरागत प्राचीन जल संरक्षण की विधि है, जल संरक्षण का तरीका है। और इस तरीके से सबसे पहले जल संरक्षण का कार्य खड़ीन विधि से किसने किया है? तो खड़ीन विधि से, खड़ीन पद्धति से अगर हम बात करें, पद्धति से सबसे पहले कृषि का कार्य किया कृषि 15वीं शताब्दी में किया किसके द्वारा? पल्लीवाल, पल्लीवाल ब्राह्मणों द्वारा। किसके द्वारा? पल्लीवाल ब्राह्मणों द्वारा। और कहां किया गया? कुलधरा गांव में, कुलधरा गांव में। ये लोग दो बालू के स्तूपों के बीच अस्थायी झील बनवा लेते थे जिन्हें पलाया कहते हैं ये। और उस झील में क्या करते थे? ये वर्षा सूखने के बाद में गेहूं की खेती करते थे बिना सिंचाई के। अब पलाया क्या है? खारे पानी की झील। क्या है? खारे पानी की झीलें। रन क्या है? तो रन दलदली क्षेत्र है जहां एक अलग ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब राजस्थान के प्रमुख रन क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, कनोड, भाकरी, बरमसर, पोकरण, थोब, बाप, ताल छापर, परिहारा। ये राजस्थान के प्रमुख रण क्षेत्रों के नाम है। राजस्थान के प्रमुख रण क्षेत्र कनोड, भाकरी, बरमसर, पोकरण, थोब, बाप, ताल छापर और परिहारा। ये क्या है? राजस्थान के प्रमुख रण क्षेत्रों के नाम है। वापिस आते हैं पल्लीवाल ब्राह्मण। हमने क्या किया? खड़ीन। खड़ीन क्या है? शाब्दिक अर्थ खड़ने योग्य या जोतने योग्य भूमि, नमी युक्त भूमि। इस खड़ीन पद्धति से जल संरक्षण, दो टीलों के बीच में जल एकत्रित किया जाता है, उस पद्धति का नाम क्या है? खड़ीन पद्धति। उस जल से या उस जगह पर खेती की जाती है, उस कृषि को क्या कहते हैं? खड़ीन कृषि। खड़ीन कृषि किसने की? 15वीं शताब्दी में राजस्थान में। किसने की? पालीवाल ब्राह्मणों ने। पालीवाल ब्राह्मण कहां के थे? कुलधरा गांव के। कुलधरा गांव कहां पे? जैसलमेर में। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों के कुलधरा गांव में जब बीकानेर रियासत पे या जैसलमेर रियासत का कोई एक सरदार था मुसलमान, उसने आकर कहा कि ब्राह्मण से कि आपकी मुखिया से कि आपकी बेटी से मैं शादी करूंगा, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं हम शादी नहीं कर सकते। तो इन्होंने उसने कहा उठा के ले जाऊंगा। तो कहा जाता है कि ये पालीवाल ब्राह्मण 5000 का जनसंख्या वाला गांव था, पूरा का पूरा पता नहीं कहां चले गया और रात रात में गायब हो गया, कहीं भी पता नहीं लगा इसका। आज भी ये गांव पूर्णतः वीरान है, कोई नहीं रहता। सरकार ने बसाने की कोशिश की है लेकिन यहां पे कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि यहां पे अनहोनी हो जाती है, लाभ नहीं होता, इसलिए कोई यहां पे अब रहता भी नहीं है। यहां पे मकान वगैरह बहुत ही अच्छी स्थिति में है, पर्यटन स्थल है, लोग यहां पे जाते भी है, लेकिन 5 बजे बाद में यहां पे अंदर रुकने की मनाही है। सरकार ने चारों ओर बाउंड्री कर दी है, वहां पे गार्ड वगैरह लगाए हुए। तो ये स्थापित गाँव है, इसको देखना है तो कुलधरा गाँव को एक मूवी बनी है कालो गाँव, उस मूवी में आप इसको देख सकते हैं। और ये कुलधरा गाँव है जहां से मछली के हमें साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं प्राचीनतम। तो ये आपकी खड़ीन पद्धति हो गई जी। रन, टाट, ढाव, ये क्या है? अस्थाई झीलों के अन्य नाम, अस्थाई झीलों के अन्य नाम है। बालसन क्या है? बालसन निर्मित मैदान है, पलाया झीलों द्वारा निर्मित मैदान या बालसन झीलों के सूखने से जो मैदान बनता है उसे बालसन कहते हैं। बजादा क्या है कि दो बालुका स्तूपों के जो नीचे नीचे या हम कहें कि पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्र या बालुका स्तूपों का जो क्षेत्र है वहां से जब वर्षा का जल नीचे आके इकट्ठा हो जाता है, जहां पहाड़ों से या टीलों से या पहाड़ों से वर्षा जल नीचे इकट्ठा होता है, नीचे इकट्ठा होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं जी? बजादा कहते हैं। खड़ीन कृषि पद्धति, पेटीमंड क्या है? बालू का स्तूप या पहाड़ का नीचे वाला स्थल क्या कहलाता है? पेटीमेंड कहलाता है, मेंड कहलाता है। इसके बाद में मरुस्थल की कुछ स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा मरुस्थल की कुछ स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे।
और उसके बाद में अगला तो हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा वो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अभी हम थार पढ़ रहे हैं, फिर हम उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीज पढ़ें। अब बात करूं मैं कि मरुस्थलीय प्रदेश में ऐसे रेत के क्या पाए जाते हैं, टीले पाए जाते हैं। यहां पर अगर मान लो कोई ऐसी संरचना आपको मिले, तो इसे क्या बोलोगे आप, मरुस्थल के बीचों बीच में ऐसी संरचना, इसे बोलते हैं भू स्तंभ। क्या बोलते हैं? भू स्तंभ। यह अपरदन के कारण होता है, अपरदनात्मक स्थला करती है मरुस्थल में। अपरदन के कारण जो स्थला करती है बनती है वो है भूस्तंभ। इस भूस्तंभ में क्या है, इसमें ऊपर की चट्टाने मुलायम है। कौन सी है? मुलायम है, जो कट गई उनका अपरदन हो गया। और नीचे की जो चट्टाने ग्रेनाइट की बनी हुई है, किसकी है? ग्रेनाइट या नीच से बनी हुई है, ये कठोर चट्टाने है, इसीलिए भूस्तंभ जैसी आकृति का निर्माण हो गया। तो पहली मरुस्थल में बनने वाली स्थलाकृति भूस्तंभ है। इसके अलावा एक और है, ऐसे मरुस्थल में ये गड्ढा बन जाता है ना, तो ये क्या है? गर्त है ना, तो बालू का गर्त। क्या बोलते हैं इन्हें? बालू का गर्त। रेत में जो गड्ढा बन गया, हवा आ रही है और यहां से रेत को उड़ा उड़ा करके ले गई, अपने साथ में ले गई, तो यहां गड्ढा बन गया। और जब ये गड्ढा बन जाता है तो यहां पर कभी कभी इतना गहरा हो जाता है कि इधर भूमिगत जल भी इसके अंदर आने लग जाता है, और भूमिगत जल इसमें आता है तो यहां पे झील बन जाती है। भूमिगत जल कौन सा जल है? भूमिगत जल यहां आ जाता है तो यहां झील बन जाती है ना। और ऐसी झीलें कहां पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है ऐसी झीलें जो कि भूमिगत जल से बनी है। इसके बाद में होता क्या है कि कभी कभी मतलब ऐसी स्थलाकृति बन जाती है, इसे क्या कहा जाता है? ऐसी जो स्थलाकृति बनती है, ऐसी स्थलाकृति, इसमें क्या होता है कि यहां की चट्टाने क्या है? कठोर है। इसमें क्या थी? नीचे की चट्टान कठोर थी, ऊपर की मुलायम थी। इसमें ऊपर की चट्टाने कठोर है, नीचे की क्या है? मुलायम। और नीचे की चट्टानों का हो गया अपरदन। इसे क्या बोला जाता है? छत्रक शिला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छत्रक शिला या मशरूम शिला। छत्रक शिला या मशरूम शिला का निर्माण भी अपरदनात्मक शक्तियों के कारण यहां पे होता है, रेगिस्तान में होता है। इसके बाद में अगर माने कि रेगिस्तान में एक पहाड़ी ऐसे दिखाई दे रही है, ये सारा का सारा क्या है? रेगिस्तानी क्षेत्र है। और यहां पे ऐसे बीच बीच में ऐसे चट्टाने दिखाई दे रही है, ये पूरा क्षेत्र में, तो चारों ओर रेत रेत के टीले और उनके बीच बीच में उठी उठी चट्टाने दिखाई देती है। इन्हें बोलते हैं इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या बोलते हैं इन्हें? इंसेलबर्ग बोला जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे चल करके, कि आप याद रखना कि यहां पे एक चट्टान है, ये चट्टाने कुछ इस प्रकार की है ऐसे, तो यहां पे क्या हुआ, नीचे का जो भाग है, निचला जो भाग है, ये क्या है? कठोर। ऊपर का भाग भी क्या है? कठोर। बीच का भाग क्या है? मुलायम। और ऐसी जो चट्टाने बनती है जिसे नीचे अपरदन नहीं हुआ, ऊपर अपरदन नहीं हुआ, बीच का अपरदन हो गया, तो इसको बोलते हैं जूजेन। क्या बोलते हैं? ऐसी जो संरचना बनती है उसे बोलते हैं जूजेन संरचना। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पे मतलब इधर की जो चट्टान, ये कठोर चट्टान थी, बीच में मुलायम, फिर कठोर, फिर मुलायम, फिर कठोर, ऐसे नीचे कठोर, तो यहां पे हवा इधर से आई, मुलायम चट्टान कट गई, कठोर रह गई, इसे बोला जाता है यार कांद। क्या बोला जाता है? यार डोंग भी बोलते हैं इसे। ऐसे यहां कठोर चट्टान, ये कैसी है? कठोर। ये कैसी है? मुलायम। ये कैसी है? सॉरी, यहां कैसी थी? मुलायम। यहां कैसी है? कठोर। यहां कैसी है? मुलायम। यहां कैसी है? कठोर, ऐसी संरचना। इसके बाद में यहां एक गोल सा पत्थर पड़ा हुआ था। अब यहां से रेत के टीले, इधर से हवा चली, रेत के टीले इस पर लगे, इस कारण से इसकी आकृति अब कैसे तब्दील हो गई, मतलब ऐसे। तो यहां पे एक पत्थर पड़ा हुआ था, वो पत्थर अब त्रिकोण नुमा बन गया, मतलब यहां आके रेत के कण लगे, उसको अपरदित कर दिया। तो ऐसी जो पत्थर है, पत्थर कैसे बन जाता है? त्रिकोण, त्रिकोण का रूप ले लेता है, उसे बोलते हैं डाइकांटर। डाइकांटर क्या बोलते हैं उसे? डाइकांटर बोलते हैं। इसके अलावा एक जो यहां पे एक शिला पड़ी हुई थी, पतली सी शिला थी, हवा के थपोड़ों से इसमें बीच बीच में ऐसे 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 छिद्र छिद्र से हो गए, इन्हें बोलते हैं जालीदार शिला। क्या बोलते हैं इन्हें? जालीदार शिला बोलते हैं। तो ये अपरदनात्मक स्थला करती है। अगर बात करें निक्षेपणात्मक, निक्षेपणात्मक स्थला करती कौन कौन सी है, तो एक है बालू का स्तूप, और आपने बालू का स्तूपों के प्रकार हमसे पढ़ लिए हैं,
जहां से एक जगह से मिट्टी उठाई जाती है और दूसरी जगह जाके जमा होती है, और जमा होने को निक्षेप बोला जाता है। इसके अलावा भालुका स्तूपों के बीच में पलाया आपने पढ़ लिया, रन आपने पढ़ लिया, बालसन आपने पढ़ लिया, बजादा आपने पढ़ लिया, बजादा। इसके अलावा लोयस मिट्टी के मैदान, ये लोयस मिट्टी कैसी होती है, पीली मिट्टी, और ये कहाँ पाए जाते हैं, चीन में पाए जाते हैं लोयस मिट्टी के मैदान। ये सब किसके उदाहरण है, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के उदाहरण है जो हमारे मरुस्थल में पाई जाती है। अब बात करते हैं मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार कहाँ हो रहा है, विस्तार कहाँ है, नाचना, नाचना गांव जैसलमेर, ये विस्तार के लिए प्रसिद्ध है ना। मरुस्थल के विस्तार को क्या कहलाता है, मरुस्थलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण मतलब मरुस्थल का विस्तार, जबकि रेगिस्तान या मरुस्थल का मार्च किसे कहते हैं, इसमें आपको याद रखना है मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल या रेगिस्तान का आगे बढ़ना, ये मरुस्थल का मार्च कहलाता है। अब हमने स्थलाकृतियों में एक चीज पढ़ी थी, भालुका स्तूप, सर्वाधिक प्रकार के, सर्वाधिक संख्या में भालुका स्तूप, सर्वाधिक संख्या में भालुका स्तूप जैसलमेर में, संख्या में, लेकिन सभी प्रकार के भालुका स्तूप मिलते हैं वो है जोधपुर में। अब साहब आपने ये तो पढ़ाया नहीं कि उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के दो भाग है, शुष्क अर्ध शुष्क, वो तो कल पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे लाठी सीरीज, उसमें चांदन नलकूप पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी संरचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे।